नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पकोड़े। इसके लिए हमने लिए दो फूल गोभी के, जिनको हमने काट लिया है। इतने इतने बड़े आकार के टुकड़े काट लेने हैं। और धनिया जो हमने काट लिया है, और बेसन लिया है हमने 500 ग्राम, और हल्दी, अजवाइन, गरम मसाला, लाल मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक। अब हम नमक बेसन में ऐड करेंगे, लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम सारे सामान के में घोल बनाएंगे। इसमें धनिया भी ऐड करेंगे। पानी लोड अनुसार डालते जाएंगे। बेसन को हमने ना ज्यादा गाढ़ा रखना है ना ज्यादा पतला करना है। अब हम डालेंगे घोल में अमचूर, जो कि हमने दरदरा करके घर में पीस के रखा हुआ है। अब हमारा घोल का मिश्रण तैयार है। इसमें अब गोभी कटी हुई डालेंगे। लो जी, अब हमने गोभी को बेसन में मिक्स कर लिया। अब हमारे पकौड़े बनने के लिए तैयार है। अब हम गोभी और बेसन के घोल को कढ़ाई में डालेंगे। अब इनको ऊपर नीचे हिलाना है, नीचे वाले को ऊपर करना है, ऊपर वाले को नीचे। 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। अब हमारे पकोड़े सिक चुके हैं, खाने के लिए तैयार हैं। आ जाओ खाने के लिए, गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े और खट्टी मीठी चटनी। अब हम दूसरा पाउच और निकालेंगे।
अब हम पकौड़ों को उल्टा पलटी करेंगे। तो जी हमारा दूसरा पूर भी अब तैयार है। हुण साडे पकौड़े है जी तैयार। जिस किसी नूं साडे पकौड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल नूं लाइक सबसक्राइब शेयर करिओ प्लीज़।